नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में मैं आज आपकी एक फरमाइश पूरी करूंगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अति बला। हाँ दोस्तों, अति बला जिसे हम खिरेटी भी कहते हैं, इसके बारे में बताऊंगा आपको। दोस्तों, ये एक बहुत ही लाभकारी जड़ी बूटी है दोस्तों, और इससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने सुझाव अवश्य दें, कमेंट करें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए मैं आपका जो है धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ इसके क्या क्या फायदे हैं। बहुत ज़बरदस्त फायदे हैं दोस्तों। कौन कौन सी बीमारी में जो है ये लाभकारी है मैं बताता हूँ। अति बला, पेशाब का बार बार आना। हाँ दोस्तों, खरेटी की जड़ की छाल का चूर्ण यदि चीनी के साथ सेवन करें तो पेशाब के बार बार आने की बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। प्रमेह, वीर्य प्रमेह, अति बला के बारीक चूर्ण को यदि दूध और मिश्री के साथ सेवन किया जाए तो आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। गीली खांसी, दोस्तों अगर आपको गीली खांसी हो गई है तो आप अति बला जिसे हम खराटी भी कहते हैं, कंटकारी, रहती, वासा के पत्ते, यानी कि जो है कंटकारी चाहिए हमें, और वृहति यानी वृहति चाहिए जड़ी बूटी, और चाहिए अडूसा के पत्ते चाहिए, और अंगूर को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बना लें इन सबको, और इसे 14 से 28 मिलीलीटर की मात्रा में 5 ग्राम शक्कर के साथ मिलाकर दिन में 2 बार लेने से गले की खांसी ठीक हो जाएगी। सीने में घाव, उर्षद यानी बलामूल का चूर्ण, अश्वगंधा, शतावरी, पुनर्नवा और गंभारी का फल समान मात्रा में लेके चूर्ण तैयार करें। इसे 1 से 3 ग्राम की मात्रा में 100 से 250 मिलीलीटर दूध के साथ दिन में 2 बार सेवन करें। सीने के घाव से आपको राहत मिलेगी, आपके सीने में जो भी घाव है वो भरने लगेगा, ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगला जो है मलाशय का गिरना। अति बला यानी कि खिराटी की पत्तियों को अरंडी के तेल में भूनकर मलाशय पर रख कर पट्टी बांध दे, इससे बहुत राहत मिलेगी। मलाशय के गिरना जो है वो अपने जगह सेट हो जाएगा। तो दोस्तों, करना क्या है, अति बला यानी खिराटी की पत्ती को अरंडी के तेल में भूनकर बांधना है, रखना है, तो इससे जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है बाँझपन दूर करना। अति बला के साथ नाग केसर को पीस कर मासिक धर्म के बाद दूध के साथ सेवन करने से लंबी आयु वाली जो है पुत्र को जन्म देते हैं, बाँझपन दूर होता है। तो दोस्तों, जो है बाँझपन से जो महिलाएं परेशान हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। करना क्या है, अति बला के साथ नाग केसर को पीसकर मासिक धर्म के बाद दूध के साथ सेवन करना है। बस इतना ही करना है आपको, इससे जो है आपको बाँझपन दूर हो जाएगा। मसूड़ों की सूजन, अति बला के
के पत्तों का काढ़ा बनाकर प्रतिदिन 3 से 4 बार कुल्ला करें। मसूड़े में होने वाली सूजन से आपको राहत मिलेगी। मसूड़े की सूजन व मसूड़ों का ढीलापन खत्म हो जाएगा। नपुसकता नामवती नामर्दानी। अतिबला के बीज 4 से 8 ग्राम सुबह शाम मिश्री में मिला के गर्म दूध के साथ लेने से नपुसकता समाप्त हो जाती है और जो है इसका लाभ निश्चित होगा दोस्तों। तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। उपाय मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। अति बला से खेराटी कहते हैं कि बीज 4 से 8 ग्राम सुबह शाम आपको मिश्री के साथ ले, साथ में गर्म दूध हो, मिश्री आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, साथ में गर्म दूध के साथ आप ले, आपकी जो है नपुसकता वो समाप्त हो जाएगी। डस्ट अति बला यानि के पत्तों को देसी घी में मिलाकर दिन में 2 बार पीने से दस्त जैसे आप दस्त आपको राहत मिलेगी। पेशाब के साथ खून आना। दोस्तों अगर पेशाब के साथ खून आता है तो क्या करें? अतुबला की जड़ का काढ़ा बनाकर 40 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह शाम पीने से पेशाब में खून आना बंद होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। अतिबला की जड़ का काढ़ा बनाना है आपको, वो भी 40 मिलीलीटर की मात्रा में लेना। 40 मिली लीटर की मात्रा में सुबह शाम पिए, इस समस्या से आपको राहत मिलेगी। बवासीर अतिबला के पत्तों को पानी में उबाल कर उसे अच्छी तरह से मिलाकर काढ़ा बना लें। इस काढ़े में उचित मात्रा में ताड़ का गुड़ मिलाएं और पिए, इससे बवासीर से लाभ मिलेगा। दोस्तों आपको ताड़ का गुड़ मिलाना इसमें, इस बात का ध्यान रखिए। रक्त प्रदान खेराटी या जिसे अतिबला कहते हैं और अतिबला और कुशा की जड़ के चूर्ण को चावल के साथ पीने से रक्त प्रदान में फायदा होता है। अतिबला के जड़ का मिश्रण बनाकर उसे दूध में डालकर गर्म करके पीने से जो है रक्त प्रदर्श में लाभ होता है। रक्त प्रदर्श में अतिबला की जड़ का चूर्ण 6 ग्राम से 10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम चीनी और शहद के साथ ले तो ये भी इसमें भी फायदा होगा आपको रक्त प्रदर्श में। तो ये 2-3 उपाय हैं रक्त प्रदर्श में ठीक होने के। और एक उपाय बता देता हूँ, अतिबला की जड़ का चूर्ण 1 से 3 ग्राम 100 से 250 मिलीलीटर दूध के साथ सुबह शाम सेवन करें, इससे भी आपको राहत मिलेगी। तो दोस्तों रक्त प्रदर के लिए 2-3 उपाय बता दिए। अब श्वेत प्रदर अतिबला की जड़ को पीसकर चूर्ण बनाकर शहद के साथ 3 ग्राम की मात्रा दूध के साथ सेवन करें, श्वेत प्रदर से आपको राहत मिलेगी। अतिबला की जड़ की राख दूध के साथ देने से प्रदर से आराम मिलता है। दर्द व सूजन में दर्द भरे स्थानों पर अतिबला से सेकना फायदेमंद होता है। पित्त ज्वर खेरटी की जड़ यानी जिसे अतिबला कहते हैं कि जड़ का शरबत बनाकर पीने से बुखार की गर्मी और घबराहट जो है वो दोस्तों वो दूर हो जाती है। तो उसका शरबत पीजिए तो जो है पित्त ज्वर से आपको निश्चित लाभ मिलेगा। रुका हुआ मासिक धर्म अतिबला चीनी मुलहटी बड़ के अंकुर नागकेसर पीले फूल के कटेरी की जड़ की छाल इनको दूध में पीसकर घी और शहद मिलाकर कम से कम 15 दिन तक लगातार पीना चाहिए, इससे रुका हुआ मासिक धर्म आने लगेगा। तो दोस्तों ये आसान तरीका है, लेकिन आप कोई भी दवा का इस्तेमाल किसी वैद्य के परामर्श से करें। पेट में दर्द होने पर खेराटी यानि जिसे हम अतिबला कहते हैं वो चाहिए हमें। पृष्पर्णी कटेरी लाख और सोंठ को मिलाकर दूध के साथ पीने से
पेट के दर्द आपको राहत मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो ये सबको समान मात्रा में मिलाकर दूध के साथ पीना है, आपको राहत मिलेगा। मत रो। अतिबला के पत्तों का जड़ का काढ़ा लेकर जो है पीने से मूत्र रोग दूर होता है। सुबह शाम 40 मिली लीटर ले। इससे इसके बीज अगर 4 से 8 ग्राम रोजाना ले तो जरूर लाभ होगा। खेरेटी के बीज के चूर्ण में मिश्री मिलाकर दूध के साथ लेने से मूत्र रोग से संबंधित बीमारियां दूर होती है। शारीरिक शक्ति बनाना। शरीर में कम ताकत होने पर खिरैटी के बीज को पकाकर खाने से ताकत बढ़ती है। खिरैटी की जड़ की छाल को पीसकर दूध में उबालें। इसे घी मिलाकर पीने से शरीर की शक्ति का विकास होता है। शुक्रमेह के लिए खिरैटी की ताजी जड़ का एक छोटा टुकड़ा लगभग 5 से 6 ग्राम 1 कप पानी के साथ कूट पीसकर और घोट कर छान कर सुबह खाली पेट पीने से कुछ ही दिनों में शुक्र धातु गाढ़ी हो जाती है। महिलाओं को श्वेत प्रदर्शन लाभ होगा। रोगी को बला के बीजों का बारीक पीस कर छना हुआ चूर्ण 1 चम्मच सुबह शाम लेना है आपको, तो राहत मिलेगी। शारीरिक कमजोरी के लिए आधा चम्मच की मात्रा में इसमें जड़ का महीन पिसा हुआ चूर्ण सुबह शाम मीठे हल्के गर्म दूध के साथ लेने और भोजन में दूध चावल की खीर शामिल कर ले तो बहुत ही फायदा होगा। इससे जो है दुबलापन दूर हो जाएगा और शरीर जो है सुडैल बन जाएगा। सातों धातुओं पुष्ट व बलवान होगा और बल वीर्य होगा। तो दोस्तों, आपको जो है अति बला के बारे में ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।